अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की के साथ जिसके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे लंबे बाल मुझे तो नज़र आए हैं, और पूछेंगे इनके बालों का राज, उनसे पूछेंगे कि कोई मुश्किल होती है इतने बड़े बाल रखकर, कोई सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। और इसके अलावा हम जो लड़के हैं वो खासतौर पर बड़े बालों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो यही है कि चुड़ैलों के लंबे लंबे बाल होते हैं, दूसरे को डराते भी इसी तरह कि यार चुड़ैल आ जाएगी और बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, पाँव मुड़े होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है और बड़े बाल इनकी खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। इनके बालों की लंबाई का 6 फीट, तो इनसे पूछते हैं इनकी हॉबीज़ पूछते हैं, इनका इंटरेस्ट पूछते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ पूछते हैं, और साथ पूछेंगे कि बालों का लंबा करने का क्या राज है, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा था इस शौक़ को पूरा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल आपके? ठीक है, ठीक ठाक हूँ। अच्छा बताएं, क्या करती हैं? एजुकेशन कर रही हैं? माशाल्लाह छोटी सी लगती हैं, ज़्यादा उम्र की नहीं लगती हैं आप तो, या प्रोफेशनल लाइफ में फील्ड में? मैं प्रोफेशनल फील्ड में हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मस्त अपनी लाइफ गुजारती हूँ। स्टडी वगैरह आपने क्या मुकम्मल की हुई है, क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है अपने पंजाब कॉलेज से। अच्छा, हमने देखे हैं आपके बाल इतने लंबे हैं, आप थोड़ा सा बालों को अगर आगे लेकर आए, इधर आगे रखें थोड़ा सा, व्यूअर्स चेक करें, 6 फीट तक है। मुझे तो मैंने अपनी लाइफ में इतने लंबे बाल नहीं देखे, अगर देखे भी होंगे तो बड़ी बड़ी एज की लड़कियाँ होती हैं, जो आंटियाँ जिन्हें होती हैं कहा जाता है, उनके बाल थोड़े से लंबे यहाँ तक जाते होंगे या इधर तक चले जाएंगे, लेकिन आपके तो बाल माशाल्लाह पाँव तक जा रहे हैं, तो ये वाकई पाकिस्तान के सबसे लंबे बाल हैं? आई थिंक अभी तक तो पाकिस्तान में मैंने किसी और फीमेल को नहीं देखा, जो कि मेरी एक विश भी है कि मैं देखूं, और मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज़्यादा लंबे हैं। आपको अगर लगता है सबसे लंबे हो तो फिर ये सबसे लंबे ही होंगे। तो आपने ये किसको देखकर आपको ये शौक पैदा हुआ था लंबे बाल रखने का? तो ये तो कहते हैं कि सेहत पर भी बड़ा असर करती है, आपको दिमाग को कमज़ोर कर देती है, सोच जो इंसान सोचता है सोचती जाता है, कोई ऐसा तो नहीं होता बादाम तो नहीं खाने पड़ते सेहत बाल रखने के लिए? नहीं, ऑब्वियसली आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी लंबे हो जाते हैं, इनको भी उतनी ही डाइट की ज़रूरत होती है जितना आपको ज़रूरत होती है, तो केयर की जाती है इसकी, आप जूसेज वगैरह लें, इस तरह की रूटीन अपनी एक सेट कर लें, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, सर दर्द नहीं होती। अच्छा, तो हम ये भी देते थे कि कहते हैं कि अगर बड़े बाल जो उनसे आपकी हाइट पे बड़ा असर अंदाज करते हैं, तो आपकी हाइट माशाल्लाह ठीक ठाक है, ऊंची लंबी आप लग रही हैं, तो कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'7" है। अगर आप ये ना रखती हो तो शायद इससे भी लंबी हाइट होती। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो यानी कि आपकी हाइट पर असर नहीं करता बाल? नहीं, मेरी हाइट पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने ही है, हाइट भी है और बाल भी है। कितने अरसे में आपके इतने लंबे बाल हुए थे, कितना साल पहले आपने ये लंबे बाल करने का शौक आपको पैदा हुआ, और ये कितने अरसा में आप ये बने 6 फीट के? एक्चुअली मुझे ये बचपन से बहुत शौक था, ऊपर से मेरी मदर को भी बहुत शौक था, और ये उनकी विश भी थी, कुछ मैं अपनी टीचर से भी बड़ा इंस्पायर हुई थी, और सेंटर में कभी छुप छुप के आके कटिंग करवा लेती हूँ, और उसके बाद मामा से बड़ी डांट पड़ती है। अच्छा, तो कुछ वाकया आप हमें सुनाएं, इन लंबे बालों को देखकर कोई आपको किसी ने प्रपोज कर दिया और कहा कि यार इतने लंबे बाल मैं दीवाना हो गया हूँ आपका, कोई ऐसा वाकया ज़िंदगी में पेश आया कभी? मेरे साथ बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में, बाहर क्लास में जहाँ जॉब करती है वहाँ से कोई उसे? बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, फैमिली में भी बहुत दफ़ा हुआ, फ्रेंड्स में, कॉलीग्स में बड़ा होता है कि इतने लंबे बालों के लिए इसकी लेंथ है, लोग प्रपोज करते हैं। तो आपको फील होता है कि ये आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसको आप कितना नंबर देंगी कि ये कितने नंबर आप उसको देंगे, लंबे बाल की वजह से आपकी खूबसूरती जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है? नंबर तो फिर दे, अगर मैं इससे आप पूछे तो मेरे पास तो है ही नहीं है ना, क्योंकि उसको टॉप पर लेकर जाती हूँ कि अच्छे लगते हैं, नंबर में देना चाहिए तो कोई नंबर देना। कई होते हैं कि यार आंखें बड़ी हों, रंग वाइट कलर हो, ऊंची हाइट हो, बालों को आपने जाहिर बात है इसके ऊपर आपने इतनी मेहनत की है तो कोई तो वजह होगी ना, कितने नंबर आप समझते हैं कितने बाल होंगे ये आपकी खूबसूरती में इजाफा आपको होगा, तो हमारे व्यूवर्स को पता लग जाएगा ना, लोग आप देखते होंगे यूट्यूब पर अक्सर जगह पर सर्च करते हैं लॉन्ग हेयर, हाउ टू लॉन्ग हेयर, ये चीज़ें देखते हैं, तो आप उनको भी मैसेज मिल जाएगा ये बाल जो उनसे आपकी खूबसूरती में कितना इजाफा कर सकते हैं, कितने नंबर आप इनको देंगे? आई थिंक 9 out of 10 दे दूंगी मैं, इतना ज़्यादा नंबर अपनी तरफ से तो मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरा ये पैशन है, तो आपका जो पैशन होता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जज करते हैं, तो मैं अपने पैशन के अकॉर्डिंगली इसको 9 out of 10 दूंगी। तो ये मुश्किल वगैरह आपको होती है बालों को संभालने में, मैनेज करने में, कभी टेंशन हुई है कि यार की मुसीबत में पै गई है, कभी ऐसा वाकया पेश आया आपके साथ? स्टार्टिंग में ऐसा होता था। अच्छा, सम टाइम गुस्सा भी आता था कि ये क्या है, और लेकिन अब मज़ा आता है मुझे, कि वही बात रिपीट करूँगी कि जब आप एक चीज़ के पीछे आप एक चैलेंज लेके चलते हैं ना, जब आप पैशनेट होते हैं अपने किसी चीज़ से, चैलेंज से रिलेटेड, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। वो कहते हैं ना, कांटे भी आते हैं आपकी राह में, हर चीज़ आती है, लेकिन आपको गुजर के जाना होता वहाँ से।
आपको कोई ऑफर्स वगैरह हुई है? जारी बात है, फेसबुक यूज़ करती हैं, बाल लगाती हैं, ये कहीं से ऑफर वगैरह आई है बॉलीवुड मॉडलिंग हॉलीवुड लॉलीवुड से कि आप आएँ रोल अदा करें, कभी आया ऐसा हुआ? बिल्कुल, मुझे अभी काफ़ी कमर्शियल मिला आपको? मैं कमर्शियल ऑलरेडी कर चुकी हूँ हेयर ऑयल की, और मेरे कितना मुआवजा लिया आपने उस कमर्शियल का, इस बालों का फ़ायदा कितना आपने उठाया? ये नहीं पूछते चलो अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। तो फिल्मों वगैरह की ऑफर, ड्रामों वगैरह की फिल्में वगैरह की ऑफर्स वगैरह आपको आ रही हैं? मुझे बिल्कुल ऑफर हुई है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको मैं और कंटिन्यू करूँगी और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर भी रही हूँ मैं अभी। चलो अगर बॉलीवुड से अगर आपको ऑफर आती है तो किसके साथ आप काम करने को प्रेफर करेंगे? कौन सा हीरो, सलमान खान, इमरान हाशमी, शाहरुख खान, किसके साथ काम करना चाहेंगे आप? किसके साथ करना चाहूँगी? ज़रा इमरान हाशमी को पसंद करती हैं आप, किसको पसंद करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती मैं उनके साथ कभी आप सलमान खान के साथ करना चाहती होंगी? हाँ, सलमान खान के साथ करना। अगर बॉलीवुड आपको ऑफर दे तो सुन लें व्यूअर्स, सलमान खान को लाइक करती हैं, सलमान खान के साथ काम करना चाहती हैं, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं, खूबसूरत आँखें हैं आपकी, लंबे लंबे बाल हैं, रंग आपका बड़ा ज़बरदस्त है, तो मॉडलिंग भी आप कर रही हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान आपने क्या बनाया हुआ, क्या आप अचीव करना चाहती हैं? अभी फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं उन प्रोजेक्ट्स पे चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे। तो अभी शादी वादी का तो कुछ सीन नहीं है, अभी कुछ अपना लाइफ में खुद को अचीव करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। कितनी उम्र हो गई है आपकी, एज कितनी हो गई? हमें तो बिल्कुल आप 17-18 साल की लग रही है। एज नहीं पूछते सीक्रेट बस दिखने में 17-18 साल की, यकीन माने मुझे तो यही लग रही है, फिर भी आप बता दें, ज़्यादातर लड़की यही कहती हैं 24 साल 22 साल। आप जेनविन उम्र कितनी है फिर बस को पता लग जाएगा ना कि आपने छोटी सी एज में क्या कुछ अचीव कर लिया है, और हो सकता है कि गिनीज वर्ल्ड बुक में भी आपका नाम आ जाए। कभी आपने अप्लाई किया इसके लिए? नहीं, मैंने वैसे अप्लाई लॉन्ग हेयर्स के लिए नहीं, अप्लाई कभी भी नहीं किया, लेकिन मुझे चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। पाकिस्तान का नाम रोशन भी करना चाहती हैं? मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। कोई ऐसी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है लंबे बालों की, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कि भाई बालों को पकड़कर आपने ये खींचना है, बालों को पकड़कर आपने ये खींचना है, कोई आपने वहाँ कहीं सोचा कि इसके लिए भी कुछ खेलों में अप्लाई किया जाए? बिल्कुल, मैंने देखी है बड़ी, लेकिन कभी मैंने ट्राई नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगी तो फिर पता चलेगा। अच्छा, कई लोगों को शौक होता है बालों से, वो ट्रैक्टर बांध लेते हैं, गाड़ी बांध लेते हैं, साइकिल बांध लेते हैं, मोटरसाइकिल बांध लेते हैं, जी ये देखें जी बालों में कितनी ताकत है। कोई आपने छोटा मोटा ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ घर में, कोई कर लिया हो? नहीं, वैसे मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन मुझे शौक बहुत है। अच्छा, कि कभी मैं कोई ट्यूबलाइट तोड़ूँ, कभी कुछ ऐसा करूँ, बालों से बांध के कुछ इस तरह की चीज़ें करूँ, कुछ अपने पास खींचूँ, कुछ इस तरह से करूँ, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। वो भी आप ज़रूर करें ताकि आपको पता लगेगा आपके बॉल कितने स्ट्रॉन्ग है, और ये गिरते भी हैं कि नहीं? हमें तो घने लग रहे हैं माशाल्लाह से, और ये कलर ब्राउन लग रहा है, ओरिजिनल कलर क्या है आपके बालों का? ओरिजिनल कलर मेरा ब्लैक था, अभी रिसेंटली मैंने करवाया है, तो दोबारा से ब्लैक में शिफ्ट हो जाऊंगी मैं। चलो ज़बरदस्त हो गया। तो अच्छा, आप हमें ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स को, क्या मैसेज देना चाहती हैं बालों को? आखिरी सवाल है, तो आप बता दें कितना खर्चा होता है? अंडे लगाती हैं, दही लगाती हैं, अंडे दही दूध मक्खन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स करती हैं? देसी टोटका इस्तेमाल करती हैं या बाजारी कोई टोटका जो बना बनाया वो इस्तेमाल करके आपने इतने लंबे किए? तो ज़रा व्यूवर्स, जो लड़कियाँ बहुत शौकीन होती हैं लंबे बालों की, और वो बेचारी अगर मामूली से भी कर दें तो चीखती हैं घरों में, तो आप उनको टोटका बता दें अभी अपना ये ख्वाब पूरा कर सके। देखिए, बाहर से अगर मिलते होते टोटके तो आजकल हर लड़की के बाल लंबे होते, ठीक है, लेकिन इस पर मेहनत लगती है। आपको सबसे पहले तो आपको अपनी उस चीज़ से प्यार करना पड़ता है, ठीक है, अगर आपने लाइफ में कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है, फ्यूचर में कुछ भी करना है, कोई भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, तो आपको उससे प्यार करना पड़ता है, ठीक है। जब आप उस चीज़ से प्यार करते हो ना, फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हो, फिर आप ये नहीं देखते कि मुझे ये प्रोडक्ट लगानी, वो लगानी, ऐसे करना, वैसे करना है। वैसे घर के टोटके मैंने बड़े यूज़ किए हैं आपस की बात है। फिर भी बता दें कि वो क्या टोटका, दही मक्खन क्या क्या चीज़ें मिक्सअप करके आपने इसको इतने लंबे किए? भाई हमारा मकसद सिर्फ वो जो पब्लिक है ना, उनको भी कुछ मालूम मिल जाए, तो आप बता दें ज़रा। टोटके वगैरह तो सब कुछ ही चलते रहते हैं, और ये इसके लिए मैं बहुत जल्दी अपने उस पर इंस्टा पे वीडियो भी एक अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आते हैं कि आप हमारे साथ ये चीज़ें शेयर करें, इसकी रेमेडीज शेयर करें, और मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी, वो मैं उसको वहाँ पर बताऊँगी। अच्छा, तो आप ये भी बता दें कि इसकी लंबाई है 6 फीट, अभी ये और भी लंबे हो सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ तक लंबाई इसकी, आप क्या समझती हैं कि कहाँ पर जाए ग्रोथ बंद हो जाती है, और ये कितने लंबे तक आपकी ख्वाहिश है? 10 फीट 12 फीट कितना लंबा आप इसका करना चाहती हैं? हाँ, ग्रोथ इसकी जो है वो बंद नहीं होती, वो तो होती है जब तक आप चाह रहे हैं, और मैं सेंटर में थोड़ी सी कटिंग करवाती रहती हूँ बीच में से। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, वो भी अपनी मदर से छुप के, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करती हैं इस चीज़ पर, यानी कि वो चाहती हैं कि इसको और लंबे लंबे किए जाएँ बालों को।
उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे रूम पे भी ऐसे रिपुंजल की पिक्चर्स लगी हैं, साथ मेरी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। ये उनकी पसंद वो मेरे में डेवलप हो गई है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। हमें आपके बाल बड़े खूबसूरत लगे हैं, बहुत लंबे हैं, 6 फीट की लंबाई उनसे है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना ये फर्स्ट टाइम इतने लंबे बाल देखे हैं। आप यकीन मानना, किताबों में बच्चों को डराते थे यार चढ़ेला आ जाएगी, लंबे बाल नहीं चढ़ेला आ जाएगी।